नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल। तो आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लाए हैं जो कि MCQs है। तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि 20 में से कितना सही कर पाए हैं, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए आज का ये जो क्लासें हैं स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के संविधान कब लागू हुआ था, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्जन, ऑप्शन नंबर बी चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर डी बेवेल। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या तीन, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 1957। तो जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927। 1927 ईस्वी में भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चार, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या पाँच, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधता होती है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए रेडियम, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। रेडॉन जो कि एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक बंधता शून्य होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या छः, मनुष्यों में मेरुदंड किससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, जिसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 31, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 12। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31। 31 जोड़ी मेरुदंड से तंत्रिका निकलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या सात, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी, जो किसके द्वारा, जिसके चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पीवी के राव द्वारा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एलएम सिंधवी द्वारा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता द्वारा दिए। तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो नियम पालन किए थे वो दिए थे बलवंत राय मेहता। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आठ, सीमेंट में सेटिंग के समय जो नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है वो क्या है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी चूना, ऑप्शन नंबर सी एलुमिना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिप्सम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या नौ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या ने, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी लाल। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा अधिक होता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए बैगनी है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दस, निम्न में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा को द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है, जबकि लोकसभा को प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिंग में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। नायलॉन ए में, बी सूत, सी रेयन, डी टेरिकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेयन। रेयन में जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। प्रश्न संख्या 12, जो कि आगे है, कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ था, यानी उसका कुचिपुड़ी का जो मेन स्रोत कहाँ से आया था। तो जिसके लिए ऑप्शन दिए गए ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 13, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी में जो मंत्री केरल लिखा है, सॉरी मंत्री परिषद होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, किसी फर्म की कुल आय का मान निम्न में से किसके बराबर होता है, जिसके लिए चार ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए उत्पाद गुने कीमत, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद माइनस कीमत, ऑप्शन नंबर सी कुल लाभ, ऑप्शन नंबर डी कुल कीमत माइनस कुल लागत। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पाद इंटू कीमत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, एजरा कप किस खेल से संबंधित है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी पोलो, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जब भी हम आगे वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन चला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, जिसके लिए चार ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए एंटीमनी, ऑप्शन नंबर बी बेरियम, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का जो उपधातु यानी अयस्क है जो क्रायोलाइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो रहता है तृतीयक क्षेत्र का रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 19 होगा, जो कि सेकेंड लास्ट होगा आज का। तो प्रश्न संख्या 19 का, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, पहला इसका ऑप्शन नमक की कमी से, ऑप्शन नंबर बी खून की कमी से, ऑप्शन नंबर सी पानी की कमी से, ऑप्शन नंबर डी लवण की कमी से। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानी की कमी से। अगर पानी आप कम पीते हैं तो जिसके कारण आपका डिहाइड्रेशन होता है जिससे आप बार बार लेटरिंग में जाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पानी अधिक पीजिए, डिहाइड्रेशन से बचिए। तो चलिए प्रश्न संख्या लास्ट है, जो आके 20 है यानी आज 20 है। तो चलिए 20 प्रश्न संख्या जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है, जिसके लिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी हरा कसी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हमने देखे हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि 20 में से कितना आप सही कर पाए थे। तो अगले सेट के इंतजार रहेगा, बहुत ही जल्द अगला सेट भी हम अपलोड करेंगे। तो एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस पे आपको ये वैकेंसी वगैरह के बारे में, योजना के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके बारे में कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका नाम होगा यूट्यूब का द गुरुकुल एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।